हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधू विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में
किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे? तो सॉन्ग इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हो, AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोरोस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोइराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 29 June 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 June 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 crore Indian rupees का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 crore Indian rupees का। जी हाँ दोस्तों, 96 crore Indian rupees लगाकर 587 crore Indian rupees कमाने वाली ये एक सुपर हिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोरोस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मींस इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गया था इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विकी कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इनसे मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 29 June 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 June 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 crore Indian rupees का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 crore Indian rupees का। जी हाँ दोस्तों, 96 crore Indian rupees लगाकर 587 crore Indian rupees कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 hours and 41 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मींस इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बात आनी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोइराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल्टो आर एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में
किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसकी अगर हम लोग बात कर लेते तो A.R. रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोरोस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, कि इस मूवी की जानर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 hours and 41 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते हो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ Indian rupees का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ Indian rupees का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ Indian rupees लगाकर 587 करोड़ Indian rupees कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया, यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो उस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विकी कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे। इन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 29 June 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 June 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 hours and 41 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते हो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोइराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इनसे मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल्टो आर एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मींस इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में
किस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसकी अगर हम लोग बात कर लेते हो, A.R. रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोरोस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उन्होंने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 hours and 41 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विकी कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोइराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म था टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म था टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते हो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज़ डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज़ डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज़ डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इनसे मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाया गया। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते हो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोरोस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त,
विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 29 June 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 June 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 hours and 41 minutes में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लेते तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फॉक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर,
हरीश रावल, मनीषा कोइराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इनसे मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल्टो आर एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 29 June 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 June 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी। आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली एंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मींस इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मींस लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाया गया। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते हो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 hours and 41 minutes में कंप्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल है। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विकी कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स एज ए सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते हो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे, जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 29 June 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 June 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया एंड इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाएंगे मूवी एंड लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँची रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में कि इस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम अज़ कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोयराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग दिलाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की कंप्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, इनसे मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं
म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में, किस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे, तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर लेते तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोरोस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रेकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, किस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, किस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज़ किया गया, तो यहाँ पर 29 जून 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 जून 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में, कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में, कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, किस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था, तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ का, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। जी हाँ दोस्तों, 96 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर 587 करोड़ इंडियन रुपीज़ कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2018 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी संजू को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ YouTube पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी, एंड मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया, एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो उसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की, एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए कितना बजट लिया गया था, एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगा गए थे इस मूवी के ऊपर, एंड कितने पैसे कमाए थे इस मूवी ने, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, एंड इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँची रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जानों के बारे में, किस मूवी की जानत क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको ड्रामा एंड कॉमेडी बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या है, मीन्स इस मूवी को देखने के लिए आपको कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 2 hours and 41 minutes की है, मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में कम्प्लीट होने वाली ये एक ज़बरदस्त मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, किस मूवी के स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे रणबीर कपूर जी, संजय दत्त, विकी कौशल, सोनम कपूर,
परेश रावल, मनीषा कोइराला एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.6 out of 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 41% तक लाइक किया गया। यहाँ पर इसकी लाइक एवरेज थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 4 out of 5, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को प्लेटफॉर्म द टाइम्स ऑफ इंडिया की जानब से। तो इतनी ज़बरदस्त रेटिंग लाने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभिजात जोशी जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की कम्प्लीटली स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे। तो यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा जी एंड राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर्स दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज में कौन कौन से एक्टर शामिल थे, मेन एक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जी आपको इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, मीन्स ऐसे सिनेमेटोग्राफर इस मूवी के अंदर कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर रवि वर्मन जी आपको इस मूवी के सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो सॉन्ग इसके अगर हम लोग बात कर ले तो AR रहमान जी, रोहन जी एंड विक्रम मॉन्टेसोर रॉस जी आपको इस मूवी के सॉन्ग्स को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। जबकि बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर संजय वंद्रकार जी एंड अतुल रनिंगा जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक को संभालते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े ब्रांड राजकुमार हिरानी फिल्म्स एंड विनोद चोपड़ा फिल्म्स आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड फोक्स स्टार स्टूडियो आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पर इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 29 June 2018 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 29 June 2018 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमा घरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रनिंग टाइम इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 161 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाए गए मूवी थे, कौन कौन सी लैंग्वेजेज इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाए गए मूवी थे, लैंग्वेजेज में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, इसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने कितना गेन किया था। तो बजट जो साल 2018 के अंदर इस मूवी के लिए लिया गया था वो था यहाँ पर 96 crore Indian rupees का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया वो था यहाँ पर 587 crore Indian rupees का। जी हाँ दोस्तों, 96 crore Indian rupees लगाकर 587 crore Indian rupees कमाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, अगर आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर इस मूवी को इजीली इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बहुत आसानी पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।